गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन योर साइंस क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज द फूड। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू से समथिंग। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जो है वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपको जो है पता चल जाएगा। इस तरह से क्या है, आपकी कोई भी वीडियो यानी कोई भी लेक्चर जो है मिस नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इस टॉपिक में क्या है, हमने फूड के बारे में बताया था आपको, जो फूड का जो है देखिए मेन फंक्शन होता है उसके बारे में बताया था। फूड क्या क्या जो है हमारी बॉडी में रोल प्ले करता है, आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड, यानी फूड के पार्ट्स के बारे में। जो मेन पार्ट्स हैं फूड के, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए वैसे अगर हम बात करें फूड की कैटेगरी बारे में, तो फूड जो है कई सारी कैटेगरी के होते हैं। देखिए एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी एल्डिंग फूड, और देखिए रिपेयरिंग मसल्स रिपेयरिंग फूड, ये सभी क्या है देखिए फूड होते हैं। और इनके अंदर जो है मेन जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है ये तीन तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें इनके जनरल फॉर्मूले के बारे में, यानी CnH2O, देखिए जनरल फॉर्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट का वो ये है। इस जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम इजीली जो है इस फॉर्मूले के द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। N फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कितने भी इसमें मॉलिक्यूल हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है देखिए, एज ए फ्यूल सर्व करता है, यानी एक ईंधन के रूप में वर्क करता है हमारे लिए। यानी ये क्या है देखिए, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। यानी जैसे ही क्या है इस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या है देखिए हमें एनर्जी देता है, और उस एनर्जी का प्रयोग हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट कार्य को करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अब हम बात करते हैं देखिए जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसके मेन पार्ट। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या है ना मेजरली यानी बड़े रूप में क्या है दो भागों में बांटा है। इनको कार्बोहाइड्रेट को हमने दो भागों में बांटा है बड़े रूप में। अगर नैरो में बात करें तो देखिए कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन हम सिंपली देखिए बड़े रूप में बात करें। सबसे पहले हम बात करें शुगर, देखिए जो शुगर है जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है। देखिए शुगर क्या है, हम शुगर को भी क्या है हमने दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है देखिए सिंपल शुगर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स शुगर। देखिए अगर हम बात करें सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में आता देखिए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज इटीसी। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स शुगर, इसके अंदर आता देखिए स्टार्ट, कॉम्प्लेक्स शुगर का आता है देखिए सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इटीसी। देखिए जो सिंपल शुगर है इसके अंदर ग्लूकोज फ्रैक्टोज वगैरह आते हैं, या फिर हम इसको क्या है नेचुरल शुगर भी कह सकते हैं। देखिए जो सिंपल शुगर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसके अंदर सुक्रोज लैक्टोज
माल्टोज ये सभी आते हैं। यानी अगर देखिए इसकी हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे देखिए जो दूध वगैरह होते हैं इनके अंदर क्या है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो पाई जाती है, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो फ्रैक्टोज और जो फ्रैक्टोज है ग्लूकोज है ये सभी मौजूद होते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जो शुगर का अगला पार्ट है वो है स्टार्च। देखिए स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मींस दीस, पॉली मींस मैनी, सैकराइड में शुगर यानी जो बहुत सारी शुगर से मिलकर बना हो वो कहलाता है स्टार्च। यानी देखिए जैसे कि अगर ये सिंपल शुगर है उसके हम कई सारे जो है यूनिटों को मिला दें तो क्या है एक जो है स्टार्च बनकर तैयार होता है। और देखिए जो एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या है ग्लाइकोजन पाया जाता है जिसको हम क्या है एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। यानी जो ग्लाइकोजन है ये क्या है रिजर्व फूड मटेरियल भी है जो एनिमल होते हैं उनका। अगर हम बात करें देखिए प्लांट के अंदर तो प्लांट के अंदर क्या है सेलुलोज, सेलुलोज पाया जाता है। यानी जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो क्या है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। देखिए स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज ये क्या है सभी जो है वाटर में इनसोल्युबल है यानी वाटर में घुल नहीं सकते हैं। जबकि जो शुगर है सिंपल या कॉम्प्लेक्स ये सभी क्या है देखिए वाटर में सोल्यूबल होते हैं यानी ये इजीली वाटर के अंदर घुल जाते हैं। ये था देखिए जो कार्बोहाइड्रेट था उसके जो मेन टू जो पार्ट्स हैं मेन टू जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके बारे में, शुगर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। स्टार्च देखिए पॉलीसेकेराइड्स हैं, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है और जो सेलुलोज है ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो जो है इस सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एक बार और बता देते हैं देखिए जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी क्या है देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है देखिए इस सेलुलोज को प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर देखिए जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है सेलुलोज का यानी बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वो क्या है एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है, वो हमारे अंदर काम नहीं करता। बट जो हर्बीवोर्स एनिमल है यानी घास खाने वाले जो जानवर हैं वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स उनके अंदर क्या है एज ए एक एक्टिव ऑर्गन वर्क करता है इसलिए वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर हम क्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चा भोजन खाएंगे तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए क्या है देखिए हम पका हुआ खाना खाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन देखिए अगर हम बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो वो हैं ये। अगर बात करें देखिए पहला फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का तो पहला फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स इट इज अ फ्यूल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एनर्जी। यानी देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है देखिए एक फ्यूल के तरह एक ईंधन के तरह काम करता है जिसका ऑक्सीडेशन होने पर क्या है ये हमें एक बड़ी मात्रा में एनर्जी देता है और इस एनर्जी का ही हम यूज़ अपने
अलग अलग कार्य को करने में करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, चल रहे हैं तो एनर्जी खर्च हो रही है। देखिए एक्स वाई जेड जो भी हम काम करते हैं वो एनर्जी हमारी खर्च होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, इस कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन होने पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट फंक्शन है यानी पेंटोज शुगर। इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए जो पेंटोज शुगर है यानी पेंटोज मतलब पांच कार्बन वाली जो शुगर है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट होती है। न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड देखिए दो तरह के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये सभी क्या है हमारी सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और ये क्या है देखिए पेंटोज शुगर से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं हम जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करने में हेल्प करता है, यानी जो आरएनए डीएनए है वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। ग्लाइकोजन, एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। यानी जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है इन एनिमल, यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं चाहे उसमें हम लोग क्यों ना हो, देखिए हमारे अंदर क्या है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल वर्क करता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है देखिए रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी वर्क करता है। और देखिए हम बात करें नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है help in the digestion of fat protein। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है, फैट्स प्रोटीन के डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है, यानी जो फैट है यानी जो भाषा जैसे कि ऑयल घी या जो भी चिकनाई वाले प्रोडक्ट होते हैं उनकी डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट। ये सभी क्या है देखिए कार्बोहाइड्रेट के मेन फंक्शन थे। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।